जी नमस्कार, क्रिएटर सुपर 30 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि सीक्वेंस सीरीज का अपना 15 पार्ट हम लोग ने क्लियर कर दिया है। आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट किए हैं। बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले आपको यह समझना ये होगा कि बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले हम लोग पास्कल ट्रायंगल के बारे में सीखेंगे। यानी पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, पहले ये बात को हम लोग सीखते हैं। तो पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, यहां पर 2 × 1 = 3, 3 × 1 = 4। यह है पास्कल ट्रायंगल। क्या है पास्कल ट्रायंगल? अब यहां पर तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसका उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग है यहां पर 1 + x का होल पावर n, यानी यहां पर 1 + x के पावर 3 करेंगे तो 3 वाला हो जाएगा 1 3x 3x² x³। इसी ढंग से 1 + x के पावर 4 करेंगे तो 1 4x 6x² 4x³ और x³। यानी दो टर्म में रहेगा तो इसको आप इजी ढंग से कर सकते हैं। लेकिन समस्या यहां पर यह उत्पन्न होता है कि हम 3 का रहेगा तो कैसे करेंगे। तो यहां पर 1 3 का था तो 3 × 1 लिख देंगे। अगर बाइनोमियल था, दो टर्म था, तो 2 का पेयर लिए थे, इसमें अब आपका 3 का पेयर लेंगे। यह बात क्लियर है। अब 2 × 1 = 3, 3 × 3 = 6, 2 × 3 = 5 = 7, यहां 6, यहां 3 और 1। अगला हो जाएगा 3 × 1 = 4, 3 × 1 = 6, 4 = 10, 6 × 3 = 9 = 16, 7 × 6 = 13 = 19, और यहां पर भी 16 10 4। अब इस पास्कल ट्रायंगल जो हुआ ट्राइनोमियल का हो गया, यानी यहां पर 1 + x और x² होल पावर 3 रहेगा। तो देखो 3 के लिए तुम्हारा कोफिशियंट ये लिखी हुई है, यानी यहां पर पहले कोफिशियंट लिख दो तो 1 3 6 7 6 3 1, तो यहां x² 0 x² 1 x² 2 x³ 3 4 5 और यहां x² 6। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसी ढंग से क्या तुम 1 + x + x² = 4 भी लिख सकते हो? तो 4 के लिए कोफिशियंट यहां दिया हुआ है, वह है 1, यहां पर 4, 10, 16 19 16 10 4 1। यानी x² 0 x² 1 x² 2 x² 3 x² 4 x² 5 x² 6 x² 7 और x² 8। यह आपका हो गया। इस ढंग से अगर पास्कल की हम बात करें तो अगर 4 का तो 4 का भी हो सकता है। यहां 2 3 4 3 2 1, 2 × 1 = 3, 2 × 1 = 3 = 6, 1 2 3 = 3 = 6 = 4 = 10, 2 3 = 5 = 9 = 12, 4 3 = 7 3 = 10 = 12 और यहां 10 6 3 1।
यानी इस ढंग से पास्कल ट्रायंगल को आपने देखा, अब इसका हम यूजेज देखेंगे कि 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और होल पावर 2 करना रहेगा तो इस कोफिशियंट को पहले हम लिख देगा 1 2 3 4 3 2 1, तो एक्स के पावर 0, एक्स के पावर 1, एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 6। इसी ढंग से अगर 3 का लिखना रहेगा तो आप आराम से लिख दोगे। यहां पर ये कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा 1 3 6 10 12 12 10 6 3 1, तो एक्स के पावर 0, एक्स के पावर 1, एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 4, 5 6 7 8 और एक्स के पावर 9। अब इसमें आप रिवर्स देखो कि अगर कोफिशिएंट का सम पूछेगा तो आपको निकाल सकते हो। यहां 4 है तो ये 4 के पावर 0 वैल्यू 1, 4 के पावर 1 तो 4, 4 के पावर 2 तो 16, 4 के पावर 3 तो 64, यह तुमको आ गया। अगर इसका हम सम करना रहे तो बिल्कुल आसान कर सकते हो, यहां 3 के पावर 0, ये वाला का सम करोगे 3 के पावर 1, ये वाला का सम करोगे 3 के पावर 2, इसको सॉल्व करोगे तो 3 के पावर 3 और इसको सॉल्व करोगे 3 के पावर 4। इसी ढंग से और पीछे हम चलते हैं तो यहां पर 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4 और इसको सम करेंगे तो 2 के पावर 5। तो आज आप लोग ने पार्ट 1 में बाइनोमियल को स्टार्ट करने से पहले आपने पास्कल साहेब का ट्रायंगल पढ़ा और इस पास्कल ट्रायंगल के फॉर्मूला से बाइनोमियल को एक्सपेंड करना सीखेंगे अगली पार्ट में। तब तक के लिए आप बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें।